कुकिंग पिज्जा। मेरी बहन आज पिज्जा बना रही है। पिज्जा बेस में कुछ इंग्रेडिएंट्स रखने के लिए वेजेस काट रही है। हम अपने पिज्जा बेस को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं, जिसमें मेरी बहन सेजवान चटनी निकाल रही है। अब उसको पूरे पिज्जा बेस पे फैलाएंगी। प्राइमर लग चुका है, अब हम लगा रहे हैं फाउंडेशन। अब फाउंडेशन को पूरे पिज्जा बेस पे फैलाया जा रहा है। अब इसमें जा रहा है कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसको बोला जाता है मेयोनीज। इससे पहले जो लगाए थे वो था ग्रीन चिली। अब इसमें अब डल रहा है सॉस, जिसे हम लिपस्टिक भी बोल सकते हैं। श्रृंगार किया जा रहा है कैप्सिकम, अनियन और टमाटो के थ्रू। होममेड चिली फ्लेक्स बना रहे हैं स्पुटनिक के थ्रू। तो हमारा चिली फ्लेक्स थोड़े समय बाद बन जाएगा। तो हमारा होममेड चिली फ्लेक्स बन के तैयार हो चुका है। हमारे पास जो क्यूट सा कंटेनर है, उसमें हम इसको स्टोर करके रखेंगे, जो अगर अगली बार हम कभी और कोई चीज बनाएंगे उसमें ये यूज होगा। मेकअप सेटिंग स्प्रे डाल रहे हैं, जिसे हम चीज बोलते हैं। अपने पिज्जा बेस को चीज से फिल कर रहे हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है वो ग्रेटर है, जिसके थ्रू हम चीज को डलवा रहे हैं अपने पिज्जा बेस पे। अब ये हमारे जो भी एसेसरीज इसमें डला हुआ है श्रृंगार का, उसको ये अच्छे से सेट करके रखेगा। ये चीज अच्छे से फिल करो मेरी बहन, नहीं तो हमारा ये सारा कैप्सिकम, अनियन और टमाटो निकल जाएगा बाहर। अब इसमें हम चीज का स्लाइस भी लगा रहे हैं, ताकि हमारे जो एक्सेसरीज हैं वो अच्छे से पिज्जा बेस पे चिपके रहे। अब इसमें जा रहा है ओरिगैनो। यही बस चीजें बच चुकी थी लास्ट में, हमें इसको डेकोरेटिव बनाना है ना, तो हमें ये सब भी डालना पड़ेगा। अब हमारा होम मेड चिली फ्लेक्स भी इसमें जा रहा है। बहन ज्यादा तीखा मत करना, नहीं तो हमारा चिप चल जाएगा भाई। अब हमारा पिज्जा बेस पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब इसे हम अपने होम में देसी जुगाड़ वाले पैन पे रखेंगे। देसी जुगाड़ वाला पैन तैयार हो चुका है, और इसमें जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है वो है सॉल्ट, और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये है स्टैंड, जिसपे रखेंगे हम अपना पिज्जा बेस। अपने प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर रहे हैं। अच्छे से डालो बहन, नहीं तो हमारा पिज्जा नहीं निकल पाएगा बाहर। हमारा पिज्जा बेस इस ग्रीस वाले प्लेट पे जा रहा है। अब इसे हम अपने देसी जुगाड़ वाले पैन पे रखेंगे। अब हम रख रहे हैं अपना पिज्जा बेस का प्लेट। पकड़ के बाद ये पिज्जा इस कंटेनर में रख चुके हैं हम, और बाहर में जो आपको बैकग्राउंड से जो सिटी का आवाज है उसे इग्नोर करेंगे आप। अब इसको हम रख देते हैं। अब इसको 10 मिनट्स के लिए हम इसमें गैस फ्लेम पे, थोड़े मीडियम फ्लेम पे हम इसको रखेंगे। पिज्जा तैयार हो चुका है। अब इसे हम स्पैचुला के थ्रू हम निकाल लेते हैं बाहर, फिर इसे कटिंग करेंगे। हमारा पिज्जा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हम अपना पिज्जा बेस कट कर रहे हैं। आधा तो कट हो चुका है, कड़ी मशक्कत के बाद हमारा पिज्जा